औरैया घटना पर संज्ञान लेते हुए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि कोई भी श्रमिक पैदल, साइकिल, बाइक या फिर ट्रकों में सफर ना करे। सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि श्रमिकों को बसों से उनके गंतव्य तक पहुंचाने की सुविधा प्रदान की जाए। ऐसे में सभी जिलों के बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है और जहां भी मजदूर यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं उन्हें रोककर उन्हें बसों से घर भेजने की व्यवस्था के बारे में अधिकारी अब बात कर रहे हैं। लेकिन बॉर्डर सील करने से झांसी और उन्नाव के हालात और अधिक बिगड़ गए हैं। जी हां, बॉर्डर सील करने से ये हालात बिगड़े हैं। मजदूरों का उन्नाव बाईपास पर बवाल यहाँ पर हो गया, रास्ते में बस से उतारने का आरोप उन्होंने लगाया है। झांसी में भी श्रमिकों ने मार्ग पर जाम लगा दिया। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए यूपी सेवन संवाददाता अमरीश जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अमरीश, जहां एक और 20 लाख करोड़ का पैकेज सरकार दे रही है पूरे देश की जनता को, राहत पैकेज जिसे नाम दिया गया, वहीं श्रमिकों की ऐसी दुर्दशा, 60 वर्ष का एक मजदूर कहा जा रहा है कि भूख के चलते यहां मर गया, बेहद दुखद ये खबर रही। और दूसरी ओर यहां श्रमिकों का जो पलायन है वो जारी है। हालांकि सरकार ने अपने स्तर पर निर्देश दिए कि किसी भी श्रमिक को पैदल यहां पर या फिर ऐसे असंवैधानिक तरीकों से ना जाया जाए, लेकिन श्रमिक अब उन पर आरोप लगा रहे हैं कि रस्ते में भी उनके में दुर्व्यवहार हो रहा है। अमरीश जी, जैती एक चीज जो देखने को मिली, 60 वर्षीय बुजुर्ग कन्नौज में अंतिम सांस ली उन्होंने, महाराष्ट्र से चले थे 14 मई को जी। उसके बाद 3 दिनों से खाना खाए बगैर रास्ते में ट्रक से साधन जो भी मिलता गया पैदल चलते गए। उसके बाद कल जब हमने खबर चलाई, जहां कन्नौज में हमने मौत के सफर के नाम से खबर चलाई, उसका कन्नौज का प्रशासन जाग गया और वहां पे उसने घेराबंदी कर दी। ट्रक पे जो भी मजदूर जा रहे थे और दोपहिया पे जा रहे थे, पैदल जाते, उनको रोक रही थी। इसी के मद्देनजर जब ट्रक वालों ने को ये पता चला तो ट्रक वालों ने हरदोई की जगह उस बुजुर्ग को कन्नौज में ही उतार दिया, क्योंकि चेकिंग बहुत जोरों पर थी और वो बुजुर्ग कुछ ही दूर पैदल चल पाया था कि उसने अपनी अंतिम सांस ली और प्राण उसके पखेरु हो गए। ये एक मात्र घटना नहीं हुई, इसके अतिरिक्त भी कानपुर में भी एक घटना घटी जहां नाबालिग जो कि अपने घर जा रहा था वो भी इसी तरह से भूख की वजह से ही प्राण त्याग दिया, उसने भी नर्सिंग होम में एडमिट कराया गया। ये इक्का दुक्का ही केस नहीं हो रहे हैं, ये पूरे भारत वर्ष में हो रहे हैं। इसके अलावा जिस तरह से कल श्रमिकों ने उन्नाव में रात में 12 बजे जिस तरह से जाम लगाया, झांसी में जिस तरह से जाम लगाया, उन्नाव में श्रमिकों का कहना यह था कि उनको बस से ले जाया जा रहा था लेकिन रास्ते में ही उतार दिया गया, ये कह के कि यहीं तक का सफर आपको कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो मध्य प्रदेश और बिहार झारखंड के लिए जो मजदूर जा रहे थे झांसी बॉर्डर पर, कल उनको रोक लिया गया और ट्रकों से उतारा गया पैदल की आप लोगों के लिए बसों की व्यवस्था कराई जा रही है। कई घंटे बीतने के बावजूद जब बस नहीं मिली तो मजदूर जो है आग बबूला हो गया, उसने अपनी सारी संवेदनाएं त्याग कर वहां पर जाम की स्थिति पैदा कर दी। और जाम पुलिस के बस की बात जब नहीं रह गई, जब पुलिस प्रशासन के भी पसीने छूट गए, उन्होंने किसी तरीके से मजदूरों को समझाया, लेकिन इस दौरान एक छोटे बच्चे की मौत हो गई सिर्फ इस वजह से क्योंकि लाखों मजदूर थे और एक जगह इकट्ठा करने पर 15 किलोमीटर का लंबा जाम। आप समझ सकते हैं कि किस तरह का लाखों मजदूर और छोटे बच्चे, महिलाएं, जो बुजुर्ग हैं, उनके ऊपर क्या आप बीती इस वक्त बीत रही होगी। वो अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, बीच रास्ते में उन्हें रोका जा रहा है, कई जगह प्रताड़ना भी दी जा रही है, हम कई तस्वीरें ऐसे भी दिखा रहे हैं जहां पे उन्हें लाठियों से मारा जा रहा है। इसके अलावा धूप में महिला बेहोश हो जा रही है, उसे पैदल नहीं जाने दिया जा रहा है, बस का इंतजाम अभी नहीं किया जा रहा है। वहीं डीएम साहब का ये कहना जब उनसे बात की गई कि हम बस से ही सबको जाने देंगे क्योंकि सीएम साहब ने निर्देश दिया हुआ, तो इस तरह का निर्देश अगर दिया गया है तो बसों की व्यवस्था क्यों नहीं तुरंत हो पा रही, क्यों मजदूरों को रातों रात खड़ा होना पड़ रहा है, दिन में भी खड़ा होना पड़ रहा है। और इस तरह की घटनाएं जब घटती हैं इक्का दुक्का जगह पर प्रशासन थोड़ा सा मुस्तैद होता है, सीएम साहब जब अपना एक ये कह सकते हैं कि जब सीएम साहब कुछ बोलते हैं, कुछ कार्रवाई करते हैं तो उन जगहों को थोड़ा सा ठीक किया जाता है, लेकिन और जगह बस से बदतर ही नजर आती है। कहीं ना कहीं इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह बॉर्डरों पर अभी तक प्रदेशों के बॉर्डर सील थे लेकिन अब जिलों के भी बॉर्डर सील है, और जिस तरह से ये बॉर्डर सारे सील है,
कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना होगी। कल तो पुलिस प्रशासन ने पालजी रेंज के पहुंचने से, जिलाधिकारी के पहुंचने से काफी हद तक मामले को संभाल लिया, लेकिन जिस तरह से 15 किलोमीटर की कल मजदूरों की वो लाइन लगी हुई थी, अगर कुछ भी गलत हो जाता तो इस घटना का जिम्मेदार कौन होता, ये सोचने वाली बात। बिल्कुल बिल्कुल अमरीश, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस प्रकार से राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, इस तबके को राष्ट्र का निर्माण करने में अपना इतना बड़ा सहयोग देते हैं, मजदूर अपने अपने घरों से इतना दूर रहते हैं, और इस प्रकार से कोरोना का दंश चारों ओर से झेलने को मिल रहा है, भूख की मार उन पर पड़ रही है, डंडे लाठियां और अपने अपने गंतव्य तक भी नहीं पहुंच पा रहे। उम्मीद है कि जल्द ही प्रशासन इस ओर कोई ध्यान देगा। तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया अमरीश।